आप देखेंगे बहुत सारे लोग खुजली करते रहते हैं, या तो पैर के और पेट के जो जंक्शन है जिसको हम लोग इंग्विनल रीजन बोलते हैं वहां पे, और ये भी हो सकता है सर पे भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, अंगूठे में भी हो सकता है और दाढ़ी में भी हो सकता है। तो ये सब जगह इस तरह के दाद खाज खुजली होती है। दोस्तों हिंदी में उसको बोला जाता है दाद खाज खुजली, हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, और इसका जो मेन कारण है उसको हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म। पर ये एक्चुअली रिंग वॉर्म नहीं है, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। वॉर्म जो इन्फेक्शन होता है वो अलग होता है, पर इसकी जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो स्किन का डिस्कलरेशन होता है उसको कभी कभी रिंग सा लगता है, तो इसलिए रिंग वॉर्म बोल देते हैं, पर एक्चुअली दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। तो एनीवे ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये हमारे पास आती कैसे है, ये कॉन्टैक्ट से आती है। कोई को वो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हुआ हुआ दाद खाज खुजली की बीमार है, आप उसके साथ मिले, या जैसे एक ही पानी से नहा लिए, एक ही बाथरूम शेयर कर लिए, या उनके संग रात को सोना पड़ा और आप कोई रिलेटिव के घर गए, उनको रिंग हुआ में आप वहीं पे उनके साथ सो गए, तो उस दिन आपके भी हो गया। तो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, एनिमल से भी आ सकता है, तो ये रिंग वर्म फैलने का वो है। अच्छा, चार पांच तरह की रिंग वर्म का हम लोग नाम लेते हैं। जब भी बॉडी में होता है तो बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, स्कैल्प में सर में होता है तो इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस, जब दाढ़ी में होता है तो उसको बोलते हैं बार्बी, टीनिया बार्बी, और कभी हाथ में होता है तो बोलते हैं मैनम, और ग्रोइन में, ग्रोइन मतलब हो गया खूंचे में जब होती है तो इसको बोलते हैं टीनिया क्यूरिस, और पेडिस होता है पैरों में। तो ये नाम अलग अलग है, बट इसमें होता क्या, इचिंग होती है। इचिंग का क्या मतलब है, जलन सा होता है और उस वक्त पैचेस भी हो जाता है। अच्छा, पैचेस दो तरह की होती है, जिनका स्किन बहुत व्हाइट है उनकी रेड पैच होता है, और या थोड़ा सारा ब्राउन कलर का पैच होता है, और जिसका स्किन थोड़ा डार्क है उसका ब्लैक कलर का पैच हो जाता है। तो अगर स्किन आपका कहीं डार्क हो गया है, अच्छा ये जो हमारे जेनिटल्स है उसके आसपास भी रिंग वॉर्म बहुत होती है, तो ये याद रखिएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के ही। और ये पैचेस कभी कभी फिर ब्लिस्टर हो जाता है, जब ज्यादा खुजली आता है उसको खुजली करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये बहुत सारे जगह स्प्रेड भी करता है, और उसमें अगर स्किन में है तो हेयर लॉस भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर बाल में है तो बाल गिरने भी लग जाते हैं इससे। तो ये जो टीनिया या रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, इसका करना क्या है, याद रखिएगा हम लोग को अपने आप को क्लीन रखना है, सफाई करना है, कहीं पे भी इन्फेक्शन लग रहा है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है। किनको किनको इस तरह की चीजें होने की है वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, ये होता है सबसे, ये जो फंगल इन्फेक्शन है रिंग वॉर्म वाला, ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जल्दी होती है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी होती है। तो अगर आप ऐसे जगह में जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और बहुत ह्यूमिड है तो वहाँ पे इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बड़ा ज्यादा हो जाता है। अच्छा, पब्लिक शावर में आप हो सकते हैं, कोई का तौलिया यूज करने उससे भी हो सकता है, तो वो आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। और टाइट क्लोथ्स जब पहनते हैं और पसीना ज्यादा होता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, जिनको डायबिटीज होता है, मोटापा होता है, जिनको और भी कोई इन्फेक्शन रहता है, इम्यूनिटी कम है, उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब आपके ध्यान में रहे। अच्छा, इसका करना क्या चाहिए, देखिए इसका तो एक ही है कि कपड़े आपके हर दिन फ्रेश पहनेंगे तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पुराने कपड़े में वो रहता है, अगर आज इन्फेक्शन नहीं हुआ पुराने कपड़े पहने तो उसके इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जब भी आप नहा धो ले तो अच्छे से स्किन को पूरा ड्राई कर लीजिएगा, वेट स्किन में ये जल्दी डेवलप करती है। और अपने को ये करिए कि लूज क्लोथ पहनने का आदत डालिए, और मोजा को भी जब एक दिन हो जाए उसको धुलने दे दीजिए। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, ये अवॉइड नहीं करिएगा, ये है तो चलने दो, अपने को चलता है रहता है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के लिए ये एंटी फंगल बहुत सारी क्रीम है, टैबलेट्स है, मैं नाम बता देता हूं, पर आप कभी भी डॉक्टर को मिलके ही उसको लीजिएगा। एक क्लोट्रिमाजोल करके एक टैबलेट होती है हमारे मेडिकल साइंस में, माइकोनाजोल होती है, टर्बिना फाइन होती है, फ्लूकोनाजोल होती है, और कीटोकोमाजोल होती है, और निस्टाटिन होती है, एम्फोटेरिसिन बी होती है। तो इस तरह की बहुत सारे एंटी फंगल एजेंट होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसका क्रीम भी मिलता है और टैबलेट भी मिलता है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके संग एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, जो है आपको उसका एलोपैथिक की जो दवाई है वो लेनी चाहिए, और वो दो चार दिन में क्लियर करने लग जाता है, और अगर 15 दिन तक लगा लिया तो वो पूरी जड़ से खत्म हो जाती है, और आगे के लिए फिर से ना इन्फेक्शन हो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों एनीवे आज आपसे विदा लेता हूं। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। हमारे वेबसाइट में जरूर जाके देखिए, हार्ट के बारे में जानकारी लीजिए, हमारे वीडियोस हैं फेसबुक यूट्यूब में, उनको भी आप देख सकते हैं, और आप जरूर इसको लाइक कीजिए और लोगों तक इसको फैलाइए। थैंक यू सो मच।